आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर प्लॉट अलाइनमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरी। लाहौर के एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया है और नवाज शरीफ की जानिब से काजी मिसबाह एडवोकेट पेश हुए। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था, वकील नवाज शरीफ का ऐसा कहना था, जबकि नवाज शरीफ का प्लॉट्स की अलाइनमेंट में कोई रोल नहीं, ना ही नए कानून के तहत केस बन सकता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुलरहमान, हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत के जज राव अफजल जब्बार ने प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फरीक के वकला के दलायल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। आज अदालत की जानिब से फैसला सुनाते हुए प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी करने के अहकाम सादर किए हैं, जबकि नवाज शरीफ की जानिब से उनके वकील काजी मिसबाह एडवोकेट ने अदालत में दलायल देते हुए ये कहा था कि नैब ने बदनीति की बुनियाद पर यह रेफरेंस बनाया, नवाज शरीफ का प्लाटों की अलाटमेंट में कोई रोल नहीं, ना ही नए कानून के तहत ये केस बन सकता है। जिस पर अदालत की जानिब से फरीक के वकला के दलायल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था, जिसे आज अदालत ने सुना दिया है। जी जी ठीक है, अब्दुलरहमान बहुत शुक्रिया।